हेलो फ्रेंड्स, आरएचईएल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप क्वान सीरीज का 7th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी फाइल से एक ही समय पर मल्टीपल पैटर्न या स्ट्रिंग कैसे सर्च करते हैं। तो ये टास्क आप दो तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, पहला ग्रेप कमांड की सहायता से, दूसरा ई ग्रेप कमांड की सहायता से। तो जब भी आप ग्रेप कमांड यूज कर रहे होंगे तब ग्रेप कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले लिखना आपको ग्रेप कमांड, उसके बाद में हाइफन ई ऑप्शन, फिर उसके बाद में पैटर्न वन, फिर उसके बाद में फिर से आपको हाइफन ई ऑप्शन यूज करना है और फिर उसके बाद में पैटर्न टू। इस प्रकार जितने पैटर्न आपको सर्च करने हैं वो वन बाय वन आपको हाइफन ई ऑप्शन के साथ में लिखने हैं और फिर उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप पैटर्न सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे अगर आपको तीन पैटर्न सर्च करने हैं एक ही समय पर किसी फाइल से, तो उसके लिए जो ग्रेप कमांड रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले लिखना आपको ग्रेप, उसके बाद में हाइफन ई पैटर्न वन, फिर उसके बाद में हाइफन ई, फिर पैटर्न टू, फिर उसके बाद में हाइफन ई पैटर्न थ्री, और फिर उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आपको ये पैटर्न सर्च करने हैं। तो इसको हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डेमो फाइल पहले से क्रिएट कर रखा है और सबसे पहले हम उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं कैट कमांड की सहायता से। तो ये उस फाइल का कंटेंट है और अब इस फाइल से मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग एक ही समय पर सर्च करने हैं। तो उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले लिखना आपको ग्रेप, फिर हाइफन ई ऑप्शन, फिर आपका पहला पैटर्न, जैसे मैं पहले एप्पल सर्च करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हाइफन ई, और फिर उसके बाद में बनाना, और फिर उसके बाद में हाइफन ई ऑप्शन, फिर उसके बाद में तीसरा पैटर्न। तो तीसरा में मैच करवाना चाहता हूँ पिक, और फिर उस फाइल का नाम जिससे आपको पैटर्न सर्च करने हैं। तो अब ये कमांड क्या करेगा कि जिस लाइन में इन तीनों पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न मैच होगा वो ये उस लाइन को प्रिंट करेगा, यानी उन सभी लाइन को प्रिंट करेगा जिन लाइनों में इन तीनों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न मौजूद हो। तो इसके बाद तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा लाइन प्रिंट करता है, उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए ये उन सभी लाइन को प्रिंट कर रहा है जिनमें इन तीनों पैटर्न में से कोई भी एक पैटर्न मैच हो रहा हो। तो यहां पर एप्पल मैच हुआ है, इस लाइन में बनाना मैच हुआ है, और इसमें एप्पल मैच हुआ है, इसमें फिग मैच हुआ है, और इसमें बनाना मैच हुआ है, और इसमें एप्पल मैच हुआ है। तो और इसके बाद यदि आप केस इनसेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं, मैच करवाना चाहते हैं, यानी केस भी साथ मैच करवाना चाहते हैं दोनों केस, तो उसके लिए आपको इस कमांड के साथ में हाइफन आई ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा। तो अब ये कमांड क्या करेगा कि कोई भी ये जो पैटर्न है उसको अपर केस और लोअर केस दोनों में मैच करेगा, और जो भी लाइन मैच होगी जिस लाइन से पैटर्न मैच होगा उन सभी लाइन को ये प्रिंट करेगा। तो देखिए अब की बार एक नई लाइन भी, दो नई लाइन भी ऐड हो गई है, बनाना और एप्पल, ये पहले मैच नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि पहले इससे पहले वाले कमांड में हमने हाइफन आई ऑप्शन यूज नहीं किया था। तो हाइफन आई ऑप्शन का उपयोग क्या है कि जब भी आपको कैच इनसेंसिटिव सर्च करना हो तब आपको ग्रेप कमांड के साथ में हाइफन आई ऑप्शन यूज करना है होगा। ठीक है, हाइफन आई ऑप्शन क्या करेगा, वो उस स्ट्रिंग या पैटर्न को दोनों केस, अपर केस लोअर केस दोनों में मैच करके देखेगा। लेकिन अगर हाइफन आई ऑप्शन आप यूज नहीं कर रहे हैं तो ये अगर आपने कैपिटल लिखा है, अपर केस में लिखा है कोई पैटर्न, तो ये सिर्फ अपर केस में ही सर्च करेगा, अगर लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में ही सर्च करेगा। तो ग्रेप कमांड की सहायता से आप मल्टीपल पैटर्न किसी फाइल से एक ही समय पर इस प्रकार सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो कमांड बताया था मैंने वो था ई ग्रेप। तो ई ग्रेप की सहायता से आप मल्टीपल पैटर्न एक ही समय पर आप सर्च कर सकते हैं किसी फाइल से। तो उसके लिए सिंटेक्स इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले आपको लिखना ई ग्रेप, फिर इनवर्टेड कॉमा, सिंगल इनवर्टेड कॉमा, फिर पैटर्न वन, फिर पाइप, फिर पैटर्न टू, फिर पाइप सिंबल, फिर पैटर्न थ्री, एंड जितने पैटर्न आपको सर्च करने वो वन बाय वन आपको यहाँ पे लिखने हैं पाइप, और बीच में आपको पाइप, इन सभी पैटर्न को आपको पाइप सिंबल की सहायता से कॉन्केट करना है, और फिर उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप ये पैटर्न सर्च करना चाहते हैं। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं।
तो इसी फाइल से हम सर्च करते हैं। सबसे पहले लिखना है ई ग्रेप, फिर उसके बाद में इन सिंगल इंटरेट कॉमा, फिर पहला पैटर्न लिखते हैं एप्पल, फिर उसके अंदर पाइप सिंबल, फिर उसके बाद में दूसरा पैटर्न बनाना, और फिर उसके बाद पाइप सिंबल, फिर तीसरा पैटर्न फेक, फिर इनर सिंगल इंटर कॉमा ओवर, और उस फाइल का नाम लिख लीजिए सबसे लास्ट में जिससे आपको ये पैटर्न सर्च करने हैं। तो देखिए इस बार भी आउटपुट सेम आ रहा है जैसा पिछले कमांड में आया था। तो दोनों तरह से जो भी आपको पसंद आए वो आप कमांड यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसमें भी केस इनसेंसिटिव सर्च करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको हाइफन आई ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसका आउटपुट भी सेम वैसा ही आ रहा है जैसा ग्रेप कमांड में आया था। तो इस प्रकार आप ई ग्रेप और ग्रेप कमांड के सहायता से एक ही समय पर किसी फाइल से मल्टीपल पैटर्न और स्ट्रिंग सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।